एवरीवन, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देखिए 4:20 हो चुके हैं। जी हाँ, और हो सकता है आपके पास 5 बजे के बाद वीडियो पहुंचे और आपको यहाँ पे 8:15 सेंटर पहुंचना है। मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का टाइम है। आप 1 से 1.5 घंटे में, हो सकता है आपके पास 5 मिनट पहले पहुंचे, 1 मिनट पहले पहुंचे, या फिर पहुंचे ही ना। तो देखिए, जिन भी छात्रों के पास ये वीडियो पहुंचती है उनको क्या करना है, देखिएगा इस पेपर को पूरा देख लेना है। अभी अभी वायरल हुआ है, सुबह सुबह 4 बजे वायरल हो रहा था। तो सबसे पहले संपूर्ण पेपर देख लिया जी। आप देखिए, रसायन शास्त्र का पेपर है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं संपूर्ण पेपर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, निर्देश है जो कि यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। तो निर्देशों को आपको ध्यान पूर्वक रीड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से पेपर है आपका। यहाँ पे देखिए, 620A इसका कोड है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 620 एक कोड है और 224 के लगभग इसका कोड रहेगा, ठीक है। तो जो सही विकल्प है उनके आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जी हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर्स देखते जाइए। जैसे कि RNA में नहीं पाया जाता है, ठीक है, थायमिन नहीं पाया जाता है, किन तत्वों में 5F स्तर तक यहाँ पे क्रम से भरा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए अब संपूर्ण पेपर, ठीक है। गैसों वाला देख लीजिए, गैसों वाला सेल का स्थिरांक क्या होता है, और आणविकता अभिक्रिया का मान नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा आप, कुछ इस प्रकार से ये थे आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आप देख लीजिए यहाँ पे फिल कर दिए गए हैं, ठीक है। रिक्त स्थान को भी भर दिया गया है, तो ये भी आप देख लीजिए जल्दी से। रिक्त स्थान पहले में आप देखिएगा जो भरना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। दूसरे में सकुल संकुल, तीसरे में लगंड, चौथे में 55.6, पांचवे में यारणीय समीकरण प्रदर्शित करता है, और छठवे में जैम, ठीक है। इसके बाद देखिए तो कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियां थी जिनका यहाँ पर मिलान कर दिया गया है। सो आपको इन सही जोड़ियों का भी मिलान कर लेना है। इसके बाद देखिएगा एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो पूछे जाएंगे। फर्स्ट में Fe2O3 × XX2O, सेकंड में आप देख लीजिए ZnCd व यहाँ पे HG, जो थर्ड है इसमें फ्रियान, फोर्थ में AgNO3, सिक्स में C6H6N2Cl, ठीक है। और जो आपका सेवेंथ रहेगा पेप्टाइड 1, और जो 8 रहेगा टाइलिन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको फिल करने थे। इसके बाद देखिएगा आपके यहाँ पे जो है क्वेश्चन आगे के दिए गए। क्वेश्चन दिखाने से पहले देखिए, हो सकता है आपके पास ये पेपर सिर्फ 1 मिनट पहले आया या फिर 2 मिनट पहले आया। अब ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे लिख करके यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखेगा MP बोर्ड, MP बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। MP बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं में यहाँ पे रसायन शास्त्र ढूंढना होगा, ठीक है। कक्षा 12वीं में यहाँ पे रसायन शास्त्र ढूंढ लिया। अब यहाँ पे हम सेट जो है अपने ए पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेट ए पे हम क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से पूरा पेपर डला हुआ है, ठीक है। तो यहीं से आपको ये पेपर देख लेना है। देखिए पूरा पेपर यहीं पे डाल दिया मैंने ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा पेपर डला हुआ है, रसायन शास्त्र का पेपर है। फिर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का जो बटन दिख रहा है ना सफेद कलर का, लेकिन आपको यहाँ पे शर्त यह है 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है जिसमें आपको 15 सेकंड बस वेट करना होगा। तो यहाँ पे 15 सेकंड आप वेट कर लेना, और किसी भी एक एड पे जरूर क्लिक करना जिससे यहाँ पे आप हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, देखिए ये ले गया डायरेक्ट ड्राइव पे। तो यहाँ पे सेट ए का रसायन विज्ञान का फुल सॉल्यूशन डला हुआ है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से जो है आपका पेपर आने वाला है। देखिएगा 5वां 6वां, देखिएगा कुछ इस प्रकार से 7वां। ये जो है ना सुबह सुबह यहाँ पे पेपर वायरल हो रहा था, सो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको, ताकि मतलब यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। क्योंकि ये मोस्ट IMP पेपर लग रहा है मुझे, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पे IMP जो क्वेश्चन हैं जो सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो हैं ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये मोस्ट IMP पेपर है जो कि आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देख करके जाना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी लग रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ये क्यों है। सो ये आपको देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।